सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जायगा सेलर ज्ञान को और बेल बटन पे क्लिक करें हमारे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाय दोस्तों मैं हूँ अमिता और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जायगा सेलर ज्ञान पे और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जी टी आई एन क्या है और कैसे आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं जी टी आईन एग्जीबिशन दोस्तों अगर आपका प्रोडक्ट है नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या फिर आपके पास आप ब्रांड रजिस्ट्री नहीं किए हैं ब्रांड रजिस्ट्री करने के लिए आपके पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे वो लिंक दिया हुआ है आप ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करेंगे वो सारे डिटेल्स में दिया हुआ है आप एक बार चेक कर लें अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री नहीं किए हैं और आप प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं अमेजन पे तो आप जीटीआई आपको जीटीआईन एग्जामिशन लेना पड़ता है एमेजॉन से तो चलिए आइए देखते हैं स्क्रीन पे आप कैसे इन एक्सामिशन ले सकते हैं एमेजोन से तो दोस्तों सबसे पहले आप एमेजोन से लॉग इन करें फिर आप सर्च बॉक्स में जाके जी टी आई इन एग्जामिशन टाइप करें तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स ओपन होगा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आप नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हैव जीटीआईएन तो है आप क्लिक कीजिए पे देखिए सारे डिटेल्स दिया हुआ है कि आप कैसे जीटीआईएन एक्सिबिशन ले सकते हैं देखिए दोस्तों जीटीआईएन जो है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर है और जीटीआईएन जो है जरूरत होती है वो उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो नॉन ब्रांडेड है और जिनके पास कोई यू नहीं है कोई नंबर नहीं है स्पेशली तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ यू क्या है आई क्या है ए क्या है और दोस्तों जैसे जी जो है ग्लोबल ट्रेड नंबर है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर जो मतलब यू हो सकता है आई हो सकता है ए हो सकता है ये नंबर आपको देना पड़ता है अमेजन को प्रोडक्ट लिस्टिंग के वक्त अगर आप मैन्युफैक्चरर है या फिर आप पब्लिशर्स uh, है अगर आपके पास GTIN नहीं है स्पेशली नहीं रहता है उन सारे जेनेरिक प्रोडक्ट्स के लिए नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए तो आपको क्या है GTIN एग्जीबिशन लेनी पड़ती है Amazon से अब मैं आपको बताती हूँ यूपीसी क्या है आई क्या है और ई क्या है अभी देखिए दोस्तों अभी यूपीसी जो है यूपीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो एक यूनिक नंबर होती है और जो बारकोड में यूज होता है स्पेशली दोस्तों रिटेल पैकेजिंग में यूपीसी यूज होती है और दोस्तों ई जो है यूएन है यूरोपियन आर्टिकल नंबर जो जो एक स्टैंडर्ड uh, बार नंबर होती है ट्वेल्व टू थर्टीन डिजिट का नंबर होता है वो और ई नंबर स्पेशली मैन्युफेक्चर के पास रहता है मैनुफेक्चर uh, वो प्रोडक्ट लेवल पैकेजिंग के वक्त वो बारकोड प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं और दोस्तों आई जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है जो स्पेशली बुक्स के लिए यूज होती है जो कमर्शियल बुक होती है उस कमर्शियल बुक जो है वो बारकोट के साथ आती है वो आपने देखा ही होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है आई तो ये यूज होती है स्पेशली बुक्स के लिए तो दोस्तों अगर यूपीसी एन और आई ये नंबर्स अगर हम आप, आपके पास नहीं है ये यूपीसी और ये परचेस करना पड़ता है तो अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है अमेजोन में लिस्ट कर सकते हैं जी टी आई इन एग्जामेशन लेके तो आइए देखते हैं जी टी आई इन एग्जामेशन आप कैसे अप्लाई करेंगे अमेजोन पे तो दोस्तों जी टी आई इन एग्जामिशन के लिए वो सारे सेलर एलिजिबल है वो चाहे ब्रांड हो मैन्युफैक्चरर हो या पब्लिशर हो जिनके पास जी टी आईन नहीं है या फिर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो जिनका जीटीआईएन नहीं होता है जैसे कि होलसेल प्रोडक्ट्स है फिर बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल्स का भी पार्ट्स होती है जो जनरली जीटीआईएन होता नहीं है उसमें कुछ भी तो आइए देखते हैं आप कैसे जीटीआईन एग्जीबिशन पे अप्लाई करेंगे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आप अगर, अगर सेल करना चाह रहे हैं तो आप कैसे जीटीआईन अप्लाई करेंगे यहाँ पे एक टेम्पलेट लेटर है जो अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या फिर मैन्युफेक्चर से डायरेक्ट आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं तो आप मैन्युफेक्चर से ये टेम्पलेट लेटर जो है आप मंगवा सकते हैं और एमेजोन को दे सकते हैं तो ये यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से टेम्पलेट लेटर और देखिए डाउनलोड करने के बाद आपका ये लेटर जो है ये लेटर है जो आप आपको ब्रांड या मैन्युफैक्चरर को देना होगा ब्रांड और मैन्युफैक्चरर से ऑथोराइजेशन जो है लेना पड़ता है तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप Uh, कोई मैन्युफैक्चरर से ऐसे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते कोई ब्रांड से अगर टेम्पलेट लेटर में जो लिखा हुआ है ऐसे आप अगर नहीं ले सकते हैं तो और तो यहाँ पे आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है उसके लिए अमेजन के पास ही अमेजन का ही टेम्पलेट है जिसमें आपको सारे डिटेल्स भर के अमेजोन को देना पड़ता है तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज ये डिवाइड है जैसे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और पार्ट्स के लिए आपको यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करना रहता है फिर आप नीचे आइए देखिए मीडिया प्रोडक्ट्स बुक्स म्यूजिक वीडियोस डीवीडीज के लिए आप यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ता है टेम्पलेट फिर यहाँ पे देखिए नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फिर यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करना होगा तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट अप्रूवल में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जी टी आई इन रिक्वेस्ट का पेज ओपन हुआ है अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यू मस्ट हैव फॉर प्रोडक्ट्स यू वॉन्ट टू लिस्ट ऑन एमेजन आपको अगर लिस्ट करना है तो जी टी आई एन जो है यू पी सी एन और आई एस बी एन ये सब नंबर आपको देना पड़ता है अगर आपके पास नहीं है तब आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं अमेजोन को तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा देखिए यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है यहाँ पे तो ब्रांडेड है नॉन ब्रांडेड पार्ट्स मीडिया प्रोडक्ट्स बंडल्स तो ये सारे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा तो सपोज कि मैं नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे आपको रीज़न भरना होगा कि आप जी टी आई नंबर आपके पास नहीं है आप होलसेलर है मैन्युफैक्चरर है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पे देखिए टेम्पलेट में डिटेल्स भर के अमेजोन को देना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेती हूँ तो हमका टेम्पलेट जो है ऐसा आएगा आपका टेम्पलेट में देखिए क्या क्या ऑप्शन है टाइटल है एसक्यू है कैटेगरी है और इमेज इल है तो आप इंस्ट्रक्शन पे जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे देखिए द प्रोडक्ट लिस्ट टेम्पलेट रिक्वेस्ट यू टू फिल इन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है कि इफ यू हैव 50 और लेस प्रोडक्ट टू सेल अगर आपके पास 50 प्रोडक्ट्स से कम प्रोडक्ट है 20, 30 प्रोडक्ट्स है तो आप वो सारे डिटेल्स दीजिए जैसे कि 30 प्रोडक्ट्स का ही आप डिटेल्स दीजिए अमेजोन को और अगर आपके पास 50 प्रोडक्ट्स से भी ज्यादा है तो आप सिर्फ 50 प्रोडक्ट्स का ही आप डिटेल्स दीजिए अमेजोन को अगर सपोज मान लीजिए जैसे हंड्रेड प्रोडक्ट्स है आपके पास तो हंड्रेड प्रोडक्ट्स का डिटेल्स आपको एमेजॉन को देने की जरूरत नहीं है आप फिफ्टी प्रोडक्ट्स का ही डिटेल्स दे सकते हैं और जी टी आई इन आप हंड्रेड प्रोडक्ट्स के लिए ले सकते हैं जो किसी का प्रोडक्ट अगर फाइव हंड्रेड प्रोडक्ट्स है सपोज तो आपको ये बार बार एग्जाम रिक्वेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है आप सिर्फ फिफ्टी प्रोडक्ट्स का लिस्ट अमेजन को दे सकते हैं और बाकी बॉडी है मेल बॉडी यहाँ पे आप रीजन आप लिख सकते हैं रीजन में आप एक दे दीजिए कि मेरे पास 500 हंड्रेड प्रोडक्ट्स है जो मुझे लिस्ट करना है और आप 50 प्रोडक्ट्स का डिटेल्स amazon को दे सकते हैं तो आपको वो 500 प्रोडक्ट्स का ही जी टी जो है वो amazon आपको दे देगा फिर चलते हैं शीट पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो है आपको एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर देना पड़ता है आपको जो एस्क्यू रिलेटेड हमने एक वीडियो अलग से बनाए हैं आप कैसे एस्क्यू बनाएंगे उसका क्या यूज़ है तो वो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे देखिए टाइटल जो है एक शॉर्ट टाइटल आपको देना पड़ेगा प्रोडक्ट के साइज मुताबिक या कलर मुताबिक आपको देना पड़ेगा अगर आपके पास साइज और कलर वेरिएशन है तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी आपको मैंशन करना होगा वो कौन सी कैटेगरी में आप एग्जेबिशन uh, लेना चाह रहे हैं वो ज्वेलरी है ब्यूटी है कॉस्मेटिक से क्या है सब आपको मैंशन करना होगा कैटेगरी फिर आपको प्रोडक्ट का इमेज यू आर देना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए इमेज कैटेगरी टाइटल और इसक्यू ये चार जो है इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा अभी चलते हैं टेम्पलेट में तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट टाइटल आप दे दीजिए वैसे इस प्रोडक्ट टाइटल आप कोई भी दे यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो है लिस्ट करने के लिए नहीं है ये सिर्फ एमजन को चेक करने के लिए और एग्जिशन लेने के लिए है तो यहाँ पे आप टाइटल में कोई भी टाइटल यूज कर सकते हैं फिर आप यहाँ पे एसक्यू दे दीजिए कोशिश कीजिए वो सारे एस क्यू आप दे अगर आपके पास फोर्टी प्रोडक्ट्स है तो आप फोर्टी प्रोडक्ट्स का ही एस क्यू मैंशन कीजिए तो वही एस क्यू जो है आपको लिस्ट कराना होगा आप लिस्ट कर सकते हैं जब आप एग्जामिशन लेने के बाद आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं अगर आप फाइव हंड्रेड प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप जैसे फिफ्टी एसक्यू देके बाकी कोई भी एस क्यू आप दे सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर यहाँ पे आप कैटेगरी मेंशन कर दीजिए कैटेगरी में देखिए यहाँ पे सारे कैटेगरी अवेलेबल है तो आप यहां से कैटेगरी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे इमेजी वार्ड भर दीजिए तो ये शीट जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा एग्जामिशन के लिए तो आप यहाँ पे ऐसे आप अमेजन को रीजन दे सकते हैं जैसे हाई अमेजन वी नीड टू लिस्ट फाइव हंड्रेड प्रोडक्ट वी डू नॉट हैव है फॉर आवर प्रोडक्ट्स वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज प्रोवाइड जी टी आई एन एग्जिशन फॉर आवर प्रोडक्ट्स और फिर आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा और देखिए यहाँ पे जो है एन एग्जामेशन रिक्वेस्ट में आ रहा है कि यूर जी टी आई एन एग्जामेशन रिक्वेस्ट एज बिन सक्सेसफुल सब्मेड तो सक्सेसफुल सबमिट हो गया है और सिल्स सपोर्ट जो है आपको कॉन्टेक्ट करेगी विल रिसीव एन ई मेल अस द रिजल्ट ऑफ योर रिक्वेस्ट इन थ्री बिजनेस डेज तो दोस्तों इसमें जेनरली टाइम ज्यादा नहीं लगता है ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर ही जेनरली uh, एग्जामेशन हो जाती है आपने अगर कैटेगरी सिलेक्ट किए और उस कैटेगरी के हिसाब से अगर आपको जी टी आई एन चाहिए तो वो ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर ही जनरली मिलता है और कभी कभी फोर टू फाइव आवर्स में भी मिल जाती है तो आपको अगर न्यू प्रोडक्ट्स अपलोड करना है तो आप जी टी आई इन एग्जामिशन ले नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए तो दोस्तों ऐसे आप जी टी आई इन एग्जामिशन ले सकते हैं अमेजोन से तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप जी टी आई इन एग्जाम एग्जीबिशन लेके कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिला है इस वीडियो से अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट जरूर करें और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे